तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम जानने वाले हैं कि यूको बैंक मैसेज नॉट रिसीव्ड। आपको आपकी बैंक की तरफ से कभी कभार मैसेज नहीं आता है किसी एरर और किसी बग्स की वजह से, तो आज हम इस एरर और बग्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को एंड तक पूरा देखना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कैसे वर्क करना है। तो अगर आप स्किप कर देते हो तो आप मेन स्टेप मिस कर दोगे, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद आपको अपनी सेटिंग का होम पेज शो हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल कर आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फिर ऊपर मैनेज ऐप पे क्लिक करके आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम ऐप्स सब आपके शो हो जाएंगे, जो आपके सिस्टम ऐप है आपके फ़ोन में। तो आपको स्क्रॉल करके आपको ई वाली लिस्ट में आने के बाद आपको इंजीनियर नेटवर्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज यूजर पे क्लिक करके आपको यहाँ से अपना क्लियर डेटा कर देना है। आपको यहाँ से अपना क्लियर डेटा पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से अपना डिलीट कर दोगे, अपना डाटा क्लियर डेटा कर दोगे, तो आपको नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एन वाली लिस्ट में आ जाना है। एन वाली लिस्ट में यहाँ पे नेटवर्क हेल्थ सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से भी आपको स्टोरेज यूजेज यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी अपना क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ से भी आपको डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से भी अपना क्लियर डेटा कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको पी वाली लिस्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल SMS स्टोरेज शो हो रहा होगा। यहाँ पे भी आपको आने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज यूजर पे क्लिक करके आपको यहाँ से क्लियर कैच कर लेना है। आप यहाँ से अपना क्लियर कैच कर लोगे तो आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने सेटिंग वाले पेज पे आ जाना है। सेटिंग वाले पेज पे आने के बाद आपको ऊपर सर्च बार पे सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। यहाँ से आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे सर्च करना है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट ऑल डेटा और इरेज ऑल डेटा को शो हो रहा होगा। आपको यहाँ से अपना नेटवर्क रीसेट करना है तो आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के आपको अपना नेटवर्क रीसेट कर लेना है। आप अपना पासवर्ड डाल दोगे तो आपका नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। आपका नेटवर्क रीसेट हो जाएगा तो आपको फटाफट से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन को वन टाइम स्विच ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है। फिर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑन कर लीजिए। फिर आप देखिए आपका जो भी बग्स और आपका एरर आ रहा था आपके फ़ोन में, आपका मैसेज नहीं आ रहा था आपकी बैंक की तरफ से, वो आपको मैसेज रिसीव होने लगेगा। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट करें आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।